हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे सी टैग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोनस पे स्लिप पे डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास एक्सेल ओपन है तो चलते हैं व्यू पर। और व्यू पे जाकर यहां से हम पेज लेआउट कर लेंगे जिस तरह से मैं हमेशा करता हूँ, और इस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम पे स्लिप का डिज़ाइन सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद में फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए फटाफट हम टाइप कर लेते हैं डिटेल। तो चलिए यहाँ से पेज को जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे सके बड़ा बड़ा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कंपनी का नाम टाइप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका मर्ज वगैरह जो होगा, सेंटर वगैरह हम लास्ट में करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आसानी से डिजाइन हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर हम एड्रेस टाइप करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं ईयरली बोनस पे स्लिप। और फ्रेंड्स, हमने इतना टाइप कर लिया। एडजस्टमेंट अगर हम बाद में कर लेंगे इसको, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट करेंगे तो शायद हो सके कि सही से एडजस्ट ना हो, क्योंकि नीचे हमें अभी कॉलम को एडजस्ट करना है। अब हम एक रो को छोड़ देते हैं यहाँ पर, इस रो को गैप दे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, एम्प्लॉय का डिटेल का हेडिंग बना लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, रेजिडेंस, एम्प्लॉय नेम, मंथ, ईयर, जो भी है। एम्प्लॉय आईडी, रेजिडेंसन, और एक रो को और छोड़ देते हैं। और इसके नीचे हम यहाँ पर जो मेन हेडिंग है मंथ, वो टाइप करते हैं। इसी मंथ के कॉलम के अकॉर्डिंग हमें ऊपर का डिजाइन करना होगा। जो भी हमें डिजाइन किए हैं फ्रेंड्स, हमें जब हम जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलम को यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से हम ऊपर डिजाइन करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं ज़्यादा कॉलम वाले डिटेल को टाइप करता हूँ। अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 6 मंथ को लेते हैं और छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 6 मंथ आ गया। इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं होम से। सितंबर के बाद अब एक लाइन और छोड़ देते हैं सैलरी टाइप करने के लिए। यहाँ पर हम टाइप करते हैं अक्टूबर से, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। ओसीटी टाइप करने के बाद में बाहर क्लिक करके सेल पर फिर इस पर क्लिक कर दिए। और यहाँ से कॉर्नर पर जब ब्लैक बने तो इस तरह से खींच दीजिए मार्च अप्रैल, ठीक है। तो हो गया। अब इससे भी हम यहाँ से सभी को सेंटर कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। और यहाँ से इसका साइज 14 कर देते हैं, सॉरी यहाँ भी रह गया ये, इस तरह से सिलेक्ट करके 14 करके एंटर कर देते हैं। सभी का साइज 14 हो जाएगा। अब आपको आउट बॉर्डर देना है तो इसे आउट बॉर्डर दे दीजिए। चलिए हम इसको आउट बॉर्डर दे देते हैं। अब हमारे पास इधर स्पेस काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो हम क्यों इसको थोड़ा साइज बड़ा कर दिया जाए। तो इसका साइज मैं यहाँ से 1 1 इंच कर देता हूँ। आप चाहें तो एक साथ में सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, न तो नॉर्मल इस तरह से क्लिक करके आप देखिए 0.86 1 इंच इस तरह से बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको आसान तरीके से सब चीज़ डिजाइन करना और फार्मूले वगैरह लगाना बताऊं। फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को इतना लाइक करेंगे यदि आपको पसंद आएगा तो, जिससे यह कम से कम 1000 लाइक तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए जिससे यह 1000 लाइक तक पहुँच जाए। यहाँ पर लगा लिया, एक्स्ट्रा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसे, और इधर से भी आप बढ़ा सकते हैं जिससे सेंटर में रहे। अभी भी हमारे पास इधर स्पेस है तो हम थोड़ा थोड़ा और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं, और सॉरी फुल पेज पे कर लेते हैं जिससे डिज़ाइन सही लगे देखने में। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसे हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि अब हमारा एरिया लगभग ठीक है, इतना में हम सारा काम करना है। तो हम इसको इस तरह सेलेक्ट कर लिए इस तरह से, और इसे मर्ज कर दिए, और साइज इसका बढ़ा कर 22 तक ले जाते हैं, और इससे बोल्ड कर देते हैं। इटैलिक करना इटैलिक कर दीजिए। इसे भी सिलेक्ट करते हैं और इसे 16 तक ले जाते हैं, और इसे सेंटर में कर देंगे, यहाँ से मार्किंग करके मर्ज करके सेंटर, और इसे यहाँ से मर्ज बॉर्डर। इसको 16 तो करेंगे, लेकिन ए 16 है और ए भी 16 है, लेकिन इसको 16 को हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे ताकि ये अलग दिखे। और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इसमें कलर वाइट फिल कर देंगे। फॉन्ट कलर नहीं करना है, आपने फिल करना है। अब इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसे मर्ज कर देते हैं, और आउटसाइड बॉर्डर, और इसे भी यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, क्योंकि हमने दो सिलेक्ट किया इसलिए हमें ऑल बॉर्डर करना पड़ा। अब इन दो फ्रेंड सिलेक्ट करके और इस दो सिलेक्ट करके हम इसे मर्ज कर लेंगे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एम्प्लॉय नेम। और इधर जगह हम ज़्यादा देंगे, क्योंकि ज़्यादा एरिया को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नाम वगैरह कभी बड़ा होता है, तो इसको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देते हैं। इधर करते हैं थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पर अब इस पर हम टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय नेम, और इसमें टाइप करते हैं ईयर।
सर्च 14 कर देते हैं, 14 ठीक है, या फाइनेंशियल ईयर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा अपना 2019-2020। अब इनमें थोड़ा अलग दिखने के लिए यहाँ से हल्का कलर फिल कर देते हैं इस तरह से सिलेक्ट करके, और इसके सेंटर में मर्ज करके बॉर्डर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो डिजाइन बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर टाइप करना है टोटल बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी पे ही सब कुछ डिपेंड होता है, ESI फंड या फिर बोनस वगैरह सब कुछ बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंडेड होता है। तो फिर हम बेसिक सैलरी यहाँ पर करेंगे टोटल सैलरी, और फिर यहाँ पर बोनस कितना परसेंट दिया जा रहा है, और यहाँ पर टोटल पेबल कितना है बोनस। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे, और इस जगह पर हम टाइप करते हैं बोनस परसेंटेज, परसेंटेज की कितना बोनस मिलेगा, और यहाँ पर टोटल बोनस। और इसे फ्रेंड्स हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, और यहाँ से बॉर्डर, और इसे मर्ज कर देते हैं और बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, और इस सब लाइन को भी वाइट। सिग्नेचर वगैरह आपको यहाँ पर टाइप करना होगा तो आप कॉलम में टाइप कर लीजिएगा। तो इसको अब हम माइनस करते हैं, यहाँ से कम करते हैं जूम को, तो देखिए ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार है। अब हमें इस पर फार्मूले लगाने हैं, और यहाँ पर बताना है कि किस तरह से बोनस परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से इतना आउट बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, ज़्यादा नहीं इतना दे देते हैं, और यहाँ से इसे थिंक बॉक्स बॉर्डर दे देते हैं आउट बॉर्डर। तो बोनस जो है वो बोनस पे स्लिप हमारा तैयार है। अब हमें फार्मूला लगाना है, जो बहुत ही जल्दी मैं आपको लगा बताता हूँ। तो देखिए हमारे पास सेकेंड सीट पे, सीट वन पे सारा डेटा टाइप है। इस डेटा को हमें सिंगल एक एक करके किस तरह से लाना है, चलिए आपको फार्मूले से बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आईडी है, उसके लिए क्या करना होगा, सीट वन पे चलते हैं और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको एडवांस सिलेक्ट करना होगा एक्स्ट्रा, ताकि आगे चल के डेटा बढ़ जाए, तो इस तरह से आप ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं दो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर इसको ना सिलेक्ट करके एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से डिफाइन नेम पे जाते हैं, फार्मूला पे जाकर डिफाइन नेम, और यहाँ से जब क्लिक कीजिएगा तो एम्प्लॉय नंबर आ जाता है। सिर्फ नॉर्मल हम NO टाइप कर देते हैं नंबर, और यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, अब स्लिप पॉलिसी शीट पे चलते हैं, डाटा पे चलते हैं, और डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर सीटिंग पर जाकर यहाँ से लिस्ट, और बराबर करके जो हमने NO लिखा था NO को टाइप करके ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बन गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट 133। ठीक है, अब हमें एम्प्लॉय नेम एक हमने वी लुकअप फार्मूले से यहाँ पर लगाना है। इस तरह से आप सारे लगा लीजिएगा, मैं पहले आपको एक बताता हूँ, बाकी आप लगा लीजिएगा, क्योंकि वी लुकअप के बारे में काफ़ी वीडियो में भी पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर किसी एक डिटेल को सिलेक्ट कर लें, जैसे 123 को सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर हमें वी लुकअप से डिटेल लाना है, डाटा लाना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर फार्मूले बार पर जाते हैं, बराबर VLOOKUP वी लुकअप ब्रैकेट, तो लुकअप वैल्यू किसके थ्रू आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो एम्प्लॉय आईडी के थ्रू आएगा। तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद में कॉमा टेबल एरे, तो जहाँ पर हमारा डिटेल है उस पर चलते हैं सीट वन पे, और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। यदि आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सोर्स है, जो आप सिलेक्ट किए हैं सीट वन पे एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ से है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। और इस तरह से जितना भी आपको नीचे सिलेक्ट करना है कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी नीचे सिलेक्ट किए कर लिए। अब उसके बाद में कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमारा नेम कितने नंबर पे है, तो हमने यहाँ कितने कॉलम नंबर पे है, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया तो कॉलम नंबर यहाँ है। यदि हम यहाँ से सिलेक्ट करते तो कॉलम नंबर 3 होता है ये नेम वाला, लेकिन हम यहाँ से सिलेक्ट किए हैं इसलिए कॉलम नंबर 2A है, 1 2। तो यहाँ पे हम 2 प्रेस कर लिए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए मिस्टर उदय भास्कर आ गया यहाँ पर। यदि हम यहाँ से चेंज करते हैं तो देखिए कुछ और आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, एस्केप, और डेस्टिनेशन में लाकर यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए नाम ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉलम जो नंबर है वो 2 है, और यहाँ पर डेस्टिनेशन कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 नंबर पे है। तो मैं यहाँ पर इसको 3 कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए HR आ गया। तो इसी तरह से मैं सभी को, जैसे कि अप्रैल में, मई में, जून में कितना कितना इनकम हुआ, सारा कुछ मैं इस तरह से वी लुकअप के फार्मूले से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। फटाफट फार्मूला लगा लेता हूँ।
फ्रेंड्स, तो मैं वी लुकअप का फार्मूला लगाकर मैं सभी को मार्च तक, यहाँ पर देखिए मार्च 8000 है और टोटल 85, तो यहाँ पर देखिए 85700 टोटल बन रहा है, तो हमारा यहाँ पर 85700 और 143500 बना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो 143500 यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से अब हमें यहाँ से थोड़ा सा शीट को मैं जूम करके आपको फार्मूला ला के दिखाता हूँ कि किस तरह से बोनस फार्मूला होता है। तो मान लीजिए कि एक कंपनी 8% बोनस दे रही है, 8%, तो यहाँ पर हमने 8% टाइप कर लिया कि हर एक कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या फिर इसे भी वी लुकअप के फार्मूला से, जैसे कि यहाँ पर 18 है तो इसको हम यहाँ पर वी लुकअप के फार्मूले से 19 कर देंगे, तो ऑटोमेटिक परसेंट आ जाएगा, क्योंकि हो सकता हो कि सभी का अलग अलग परसेंट से बोनस दिया गया हो। मान लीजिए कि इसका पहले वाले का 8% है, दूसरे वाले को 9% या 7% बोनस दिया गया, और क्योंकि काफ़ी कंपनियों को अपनी मर्जी के मालिक भी होते हैं भाई, तो अलग अलग परसेंट दिया गया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंट आ जाएगा कि इस व्यक्ति को इतना परसेंट बोनस दिया जा रहा है, इतना टोटल बना है, तो कितना बनेगा टोटल। तो चाहे तो आप वी लुकअप से भी ला सकते हैं, नहीं तो फार्मूला भी है, चलिए हम फार्मूला ही बता देते हैं क्योंकि एक फार्मूला आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, बराबर करते हैं, राउंड लगाते हैं, ROUND। राउंड इसलिए लगाया था फ्रेंड्स कि कोई रकम 1 रुपये 2 रुपये आगे पीछे हो तो इसको चाहे तो पीछे वाले रकम से, जैसे कि मान लीजिए कि 12 है तो चाहे तो 20 मिला दिया जाए या फिर 10 मिला दिया जाए, तो इसलिए राउंड ऑफ का फार्मूला लगाया जाता था। हम सिर्फ राउंड का लगाते हैं और यहाँ से ब्रैकेट है, और टोटल कितना है तो टोटल यहाँ पर ये है, ठीक है, और इससे गुना प्रेस करते हैं, मल्टीप्लाई 8% से करेंगे, ठीक है। डिवाइड हम फार्मूले में नहीं लगाएंगे क्योंकि डिवाइड ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंट टाइप है, यदि किसी भी सेल में अक्षर के साथ में, नंबर के साथ में परसेंटेज टाइप है तो ऑटोमेटिक 100 से डिवाइड हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पर कॉमा कर देते हैं, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो देखिए यहाँ पर 11480 रुपये आ गया कि आपका इतना बोनस बना। अब यहाँ से हम इसको 2 वाले को देखते हैं, तो देखिए 68056 रुपये। यदि हम यहाँ पर राउंड का फार्मूला नहीं लगाते तो यहाँ पर लास्ट में पॉइंटों में कुछ आता है, इसलिए हम यहाँ पर राउंड का फार्मूला यूज किए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा माइनस करते हैं, अब इसको चलते प्रिंट एरिया सेट कर लेते हैं, तो सब कुछ ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं पेज लेआउट पर और इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर जितना आपको प्रिंट करना हो, और यहाँ से प्रिंट एरिया पर सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दीजिए। अब क्या हुआ कि अगल बगल भी कुछ आप लिखिएगा तो प्रिंट इतना ही होगा जितना कि सेट एरिया, सेट प्रिंट एरिया सेट किया गया है। अब हम यहाँ से कंट्रोल पी करके देखते हैं, तो देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुआ कि आप अलग अलग व्यक्ति का सिंगल सिंगल निकाल सकते हैं, सिंगल सिंगल अगर कुछ आपको स्लिप देना, तो लेकिन बात आता है कि अब भी हज़ारों लोग हैं और हज़ारों लोगों को एक ही साथ में सबको प्रिंट आउट करना है, तुरंत प्रिंट हो जाए, सबको बांट दिया जाए, तो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो डिज़ाइन आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डिज़ाइने बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाइए। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज का, तो मेल मर्ज का इस्तेमाल करके आप हज़ारों के लाखों जितना डेटा होगा उतना लोगों को एक साथ में डिज़ाइन अलग अलग नाम से निकाल सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सपोर्ट किया है, अच्छा बोला है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको भी पसंद आएगा। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक चेक कीजिएगा तो उसमें आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।